है वहां? कौन है? पलक, मैं कितना पागल हूं, तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा जबकि मुझे पता ही नहीं कि तुम हो कहां। ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, कहां ढूंढूं मैं? कहां हो तुम पलक? Where are you? प्रांजल ने यह घिनौनी हरकत की। जब प्रांजल को पता लगा कि पलक सब कुछ जान गई है, तो उसने जोर जबरदस्ती से उसे हासिल कर लिया। पलक, 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 कहो तुम पलक, कहो तुम पलक, Where are you? थके हो पलक? बहुत थके हो। प्रांजल और दक्ष के बीच में बात बहुत आगे बढ़ गई है। दोनों भाई हैं, लेकिन आज इस दोराहे पर खड़े हैं, समझ में नहीं आता किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। माँ, बात ऐसी है कि सुषमा, किस पर यकीन करना और किस पर नहीं करना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रांजल गलत हो ही नहीं सकता। गलत होने की तो बात दूर, वो गलत सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रांजल से जलता है। ये बात नहीं है बेटा, दक्ष ऐसा लड़का नहीं है कि किसी जलन की वजह से कुछ भी कहे, वो जरूर कोई बात जानता है। माँ, महज बात जान लेने से क्या होता है, उस बात को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। इतनी बड़ी बात है, बिना सबूत के कैसे कोई मान लेगा? प्रांजल को आ जाने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। और हमारी बेटी का क्या होगा चंद्रकांत जी? आप इस वक्त यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि सब ठीक तो है। देखिए, आप क्या कह रही हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने बेटे के बारे में तो आपने सोच लिया, लेकिन हमारे बेटे के बारे में उसका ख्याल नहीं आया आपके दिल में? कर लिया ना भाई साहब, बेटे और बहू में फर्क। इतनी रात हो गई है और पलक भी अभी तक घर नहीं लौटे, उसकी फिक्र नहीं है आपको? या हमारी बेटी की जरा भी परवाह नहीं है आपको? देखिए, आप क्या कह रही हैं, मेरे तो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए, दक्ष ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। लेकिन वो सब मैं तभी मानूंगा जब यहाँ प्रांजल आ जाएगा। शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बस अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते, हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए प्लीज। अपरा, अपरा बस, तुम क्यों हाथ जोड़ रही हो? देखिए चंद्रकांत जी, आप माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक बात ध्यान रखिए, अगर पलक पर जरा भी आंच आई तो प्रांजल को मैं नहीं छोड़ूंगा। That's a promise. चलो ब्रा। ओह, तो बात यहां तक बढ़ गई है। इससे पहले कि कुछ और हो जाए, मुझे प्रांजल को सारी बातें बता देनी चाहिए। अब तो पलक के माता पिता को सब कुछ पता चल गया है। अगर पलक को कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे उनको? क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। सुषमा, ये सब अचानक क्या हो गया हमारे साथ? देखिए, आप ज्यादा सोचिए, पर
आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आराम कीजिए। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और मैं आराम करूं, मुश्किल है। आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? हमारा बेटा प्रांजल इतना बुरा हो सकता है? हमारा प्रांजल बुरा नहीं है, हमेशा हमेशा अच्छे आदमी पर उंगलियां उठाई जाती है, गलत को सही साबित किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है सुषमा? हमारा प्रांजल इतना बुरा नहीं है जितना लोग बताते हैं। मैंने परवरिश की है उसकी, मेरी परवरिश इतनी गलत नहीं हो सकती, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सब कुछ इतना बिगड़ गया है कि आप जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं कोई गलत फहमी नहीं है, गलत फहमी तो आपको है, हमारी परवरिश हार गई। जिस बेटे को हमने इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, वो बेटा ही पलक घर से लापता है और मुझे शक है कि प्रांजल उसे किडनैप करके कहीं ले गया। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे इसकी तो कंप्लेन लिखवानी है। ये आपको कैसे पता? और पलक और प्रांजल में क्या रिश्ता है जो उसने उसे किडनैप कर लिया? प्रांजल पलक का पति है। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। अगर प्रांजल उसका पति है तो फिर वो किडनैप कैसे हुई? अरे पति पत्नी है दोनों, कहीं घूमने गए होंगे। आप समझते क्यों नहीं है? पलक का हस्बैंड प्रांजल उसे तकलीफ दे रहा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं कब से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको मेरी बात मजाक लग रही है? कहीं तुम उसके प्रेमी तो नहीं, इसीलिए शायद जलन हो रही हो कि वो अपने पति के साथ कैसे चली गई? मुंबई जैसे शहर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत होते हैं। अरे इंस्पेक्टर के बच्चे, अपनी जुबान को लगाम दो और चुपचाप मेरी कंप्लेन लिखो। छोड़ दो। तो तुम हमें कानून सिखा रहे हो? हाँ। अब बड़े लोगों की कंप्लेंट तो लिखनी ही पड़ेगी, वो चाहे सच हो या फिर झूठ। शायद तुम ये नहीं जानते कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले की गिरवान पकड़ना कितना बड़ा गुनाह है। मैं अभी चाहूं तो तुम्हें अभी बंद कर सकता हूं, लेकिन नहीं, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। पुलिस वालों से बैर लेकर अच्छा नहीं किया तुमने। लो, लिख ली तुम्हारी कंप्लेन, अब जाओ। हमें जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो हम तुम्हें इतला कर देंगे। यहां बैठकर कुछ पता चलने वाला नहीं है, आपको मेरे साथ चलना होगा। देखिए, पलक की जान खतरे में है और अगर उसे कुछ हुआ तो आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। चलो हवलदार, ये खाना पूर्ति भी पूरी कर देते हैं। किसने खोले और प्रांजल कहां चला गया? मुझे तो लगा था कि मैं आज का सूरज नहीं देखूंगी, लेकिन प्रांजल भी नहीं है यहाँ और मैं भी जिंदा हूँ, फिर ये छुरा यहाँ पर और इस पर ये खून किसका है? यहाँ तो कोई नहीं है।
पता नहीं कौन सी जगह है ये, यहां जाऊं कि वहां पता नहीं चलता, कहां जाऊं। शायद रात को इसी तरफ से आए थे हम, शायद यहां से ही कोई रास्ता हो। इतने बड़े जंगल में पता नहीं कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाइए। गाड़ी रोकिए इंस्पेक्टर साहब। देखो, हम बिना किसी पते ठिकाने और सुराग के उन्हें ढूंढ रहे हैं और दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, ये देखिए किसी टायर के निशान है और ये निशान भी काफी ताजा है। इसका मतलब यहां कोई ना कोई गाड़ी आई जरूर है और ये निशान उस तरफ जा रहे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उस वीरान जंगल की तरफ कोई सड़क भी नहीं है तो फिर गाड़ी कहाँ गई। अब चलिए तो सही, जाकर देखते। पलक पलक, लगता है यहां भी नहीं है। हमें उस तरफ देखना चाहिए। दक्ष, 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 दक्ष। इंस्पेक्टर, ये रही पलक। हेलो सर। पलक, पलक, उठो पलक, पलक घबराओ मत, मैं आ गया। ये पलक और प्रांजल अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं, पूरी रात कहां बिताई होगी उन दोनों ने। प्रांजल भी नहीं आया ना दक्ष आया, पता नहीं दोनों कहां चले गए। कोई आ जाए तो पता तो चले कि क्या हो रहा है। दक्ष आ गया। क्या हुआ पलक को? माँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाए, पलक की हालत बहुत खराब है। हाँ। मैं फोन करता हूँ। जय तो मेरे साथ आ। संभल के रूम में ले जाओ। अगर पलक यहाँ है तो प्रांजल कहाँ है? पलक प्रांजल के साथ ही तो गई थी। दक्ष बेटा, अब कैसी है पलक? और ये सब कैसे हो गया? प्रांजल कहाँ है? आप यही जानना चाहते थे ना कि पलक वाकई में कोई मुसीबत में है या नहीं? तसल्ली करना चाहते थे ना आप? अब अपनी आंखों से देख लीजिए, आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी, यकीन हो जाएगा कि पलक वाकई में कोई मुसीबत में थी। प्रांजल कहाँ है? आपको क्या लगता है पलक के साथ इतना कुछ करने के बाद प्रांजल घर वापस आएगा? अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ये सब प्रांजल ने किया है। उसको आ जाने दो, उसके बाद फिर बात करते हैं। पलक की जान जाने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। आपके यकीन के लिए और क्या चाहिए आपको? क्या पलक की ये हालत काफी नहीं है आपके लिए? जब तक प्रांजल नहीं आ जाता मैं पलक की जिंदगी में कयामत आ गई है और अब भी आपको प्रांजल का इंतजार है। अरे आप प्रांजल के प्यार में इतना उलझ गए हैं पापा कि पलक का दर्द दिखाई नहीं देता। आज एक बेटे के सामने आपको एक बहू कम पड़ गई है। पापा रिश्ता नहीं लेकिन इंसान बड़ी चीज होती है। आप लोग प्लीज चुप रहिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज यहां से बाहर जाइए।
पलक तुम्हें कहां मिली, वो ठीक है कि नहीं, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। पापा मैं पुलिस स्टेशन गया था, उसके बाद इंस्पेक्टर ये रही पलक, फिर मैं पलक को घर ले आया। पर बेटा पुलिस को प्रांजल के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? प्रांजल ठीक तो है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा हम सबको? शिंदे आप इधर देखना, ये ब्रेसलेट और ये शर्ट दोनों प्रांजल का मालूम पड़ता है शिंदे, इसका मतलब समझे? ए लॉकर लॉकर, तुम लोग छानबीन जारी रखो और ये ब्लड सैंपल्स लैब में भेज दो और मुझे फोन करना, समझ गए? डॉक्टर साहब अब पलक कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है, उसको कोई गहरा सदमा लगा है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। शायद उसके साथ कुछ ऐसा घटा है जो उसने सोचा भी ना हो। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, उससे उसे नींद आ जाएगी, देन शी विल बी ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। इंस्पेक्टर क्या आपको पता चला प्रांजल कहाँ है? हमने उन्हें बहुत ढूंढा सी के साथ, हो सकता है प्रांजल अब हो ही नहीं। क्या क्या मतलब है आपका? चंद्रकांत साहब हम मौका वारदात पे गए थे और हमें कुछ चीजें मिली, खून से लथपथ ये शर्ट, ये ब्रेसलेट और ये चाकू। अगर हमारा अंदाजा गलत नहीं है तो ये सारी चीजें प्रांजल की होनी चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये शर्ट तो प्रांजल का है, यही पहन के वो गया था, और ब्रेसलेट भी मेरे प्रांजल का है, हमेशा उसके हाथ में होता है। चंद्रकांत साहब हमें शक है कि प्रांजल का मर्डर हो गया है।